आज मैं आपको एक और सूट पेंटिंग दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पेंटिंग मैंने गरम सूट पे किया है। पहले मैंने इस पे डिज़ाइन किया, फिर वाइट कलर से कोट किया है ताकि हमारा पेंटिंग 3D लुक दे। ये बहुत इजी पेंटिंग है, इसको बिगिनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो पहले मैं इस पे सैप ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा है वहाँ पे हम लेमन येलो फील कर देंगे। अब गाइस, थोड़ा थोड़ा वाइट लेकर हम इसको मिक्स करेंगे। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका पेंट सूखना नहीं चाहिए, गीला ही रहना चाहिए, तभी आपका पेंट मिक्स हो पाएगा। वरना ये सूख जाएगा तो फिर ये मिक्स नहीं हो पाएगा, अलग अलग दिखेगा, तो ये रियल लीफ का लुक नहीं देगा। अब हम इसमें कहीं कहीं पर डार्क ग्रीन से शेड डाल देंगे। तो ये लीफ का सारा शेडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये मिडरिप बना रहे हैं। ये मिडरिप जो है इसको डार्क ग्रीन से बनाना है आपको, और फिर इस पे शेडिंग डाल देंगे। तो अब बस उसी प्रोसेस से हम सारे लीफ को रेडी कर लेते हैं। तो अब हम फ्लावर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी पहले हम ऊपर से वाइट शेड डालेंगे ताकि हमारा जो नीचे हम जो कलर डालेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि वाइट जो पहले से कोट किया हुआ है वो तो पूरा सूखा हुआ है, तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। अब नीचे से गोल्डन येलो डाल रहे हैं। इसी तरह से तीनों में डालकर मैंने इसको वाइट और येलो दोनों को मिक्स कर दिया है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप तीनों लीफ एक साथ बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप तीनों लीफ एक साथ बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा और पेंट सूख जाएगा, तो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी आप तीनों एक साथ बनाएं, वरना एक एक लीफ बनाएं। अब ये मिक्स हो गया। अब इसमें रेड लाइनिंग डालेंगे। मैंने इसमें राउंड ब्रश यूज़ किया है 8 नंबर। उसके बिल्कुल पॉइंट से, एंड पॉइंट से आपको इसमें शेडिंग डालना है रेड कलर से। ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसमें रेड यूज़ किया। तो अब मैं फ्लावर फोल्डेड लीव बना रही हूँ। इसमें भी आपको बस 8 नंबर ब्रश यूज़ करना है, राउंड ब्रश, और वाइट और रेड और बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसमें येलो डालना है, बस मिक्स कर देना है। बस उसी वाले फ्लावर की तरह इसको भी मैंने बनाना है। और ये बस इसमें इतना सा डिफरेंस है इसमें और उसमें कि ये 2 लेयर फ्लावर है और वो बस 1 लेयर था, तो बस इसी तरह बना।
पहले हम वाइट और येलो का काम कर लेंगे, लास्ट में हम रेड का शेडिंग डालेंगे। तो बस हमारा सूट रेडी है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।